भ्रष्टाचार में लिप्त झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू पूर्व कांग्रेस सरकार की स्थिरता को लेकर प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पर सिद्धार्थनगर जिले में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। शनिवार की सुबह भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान की अगुवाई में जिले के भाजपा कार्यकर्ता जिला भाजपा कार्यालय पर इकट्ठा हुए और वहां से जुलूस की शक्ल में कांग्रेसी नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर भाजपाइयों ने भ्रष्ट कांग्रेसी सांसद का पुतला फूंका और सोनिया राहुल मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस प्रदर्शन के बारे में जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही देश को लूटने का काम किया है। जब तक केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तब तक पूरी तरह लूट मची हुई थी। अब जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी लूट मची हुई, जिसका ताजा उदाहरण अभी हाल ही में झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पड़े छापे में अरबों रुपए मिलने से साबित होता है। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्ट कांग्रेसी सरकार और कांग्रेसियों के विरुद्ध आज भाजपा के लोग सड़कों पर उतरे हैं और उनका पुतला भी फूंका गया है। जब से देश के अंदर कांग्रेस की हुकूमत रही, उनकी हुकूमत का समय हमारे देश को सिर्फ लूटने का काम और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का काम कांग्रेस पार्टी करती रही है। आज उसी के निमित्त झारखंड के एक राज्यसभा सांसद जिनका नाम है धीरज साहू, उनके वहाँ रेड पड़ी। रेड पड़ने के पास सैकड़ों की संख्या में अलमारियाँ बरामद हुई। उन अलमारियों में 500 2000 की नोट की गड्डियाँ बरामद हुई, जिनको गिनने के लिए 3 दिन से लगातार जो एजेंसियाँ हैं गिनने का काम कर रही हैं। 8 जो गिनने की मशीन होती है वो मशीनें जल चुकी हैं, इतनी नोटें हैं, कभी गिनती लगातार चालू है। इस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने देश को लूट करके खोखला करने का काम किया, भ्रष्टाचार में लिप्त ही पूरी कांग्रेस। आज उनके ही विरोध में भारतीय जनता पार्टी जनपद सिद्धार्थनगर पूरे पुरजोर से उनका विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट गेट के सामने धीरज साहू का पुतला दहन करने का भी काम किया गया और उनकी पूरी पार्टी का विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है।